कोरोना वायरस महामारी के बीच उत्तराखंड हरिद्वार में आयोजित कुंभ को लेकर सूबे के सीएम तीरथ सिंह रावत का कहना है कि मां गंगा के आशीर्वाद से यहां कोरोना नहीं फैलेगा। सीएम रावत ने यह भी कहा कि कुंभ की तुलना मरकज ने नहीं की जा सकती। मरकज से जो कोरोना फैला वो इसलिए कि वो बंद कमरे में थे, कुंभ खुले में है इसलिए कोरोना नहीं फैलेगा। उन्होंने कहा कि माँ गंगा की अविरल धारा है, माँ गंगा का आशीर्वाद लेकर आएंगे तो कोरोना नहीं फैलेगा। मरकज एक केवल हॉल के अंदर था, वो हॉल कितना बड़ा मैं दिल्ली में जानता हूँ, और वो एरिया बिल्कुल फिक्स था, न उधर घूमने की जगह, न इधर पलटने की जगह, वहाँ पूरी तरह सोने के लिए भी एक ही हॉल में सब सोए पड़े हुए थे और एक से एक चिपका हुआ था। रजाई भी न जाने कितनों ने रजाई के अंदर घुसे पड़े थे। हमारे यहाँ एक कुंभ है, यहाँ लगभग 16 घाट है, और कुंभ केवल हरिद्वार शहर में नहीं तो आपका कुंभ ऋषिकेश से लेकर नीलकंठ तक भी कुंभ क्षेत्र घोषित है। तो कई घाट तो आपका स्वर्गाश्रम और त्रिवेणी घाट, लक्ष्मण झूला यहाँ तक है, और हरिद्वार के पूरे आपका सारा न जाने कितने 16 घाट ऐसे हैं। तो यदि वो इसका फैलाव किया जाए तो एक जगह नहीं, इतने घाटों में सब लोग स्नान कर रहे हैं और पाटों में कर रहे हैं, कोई सुबह आ रहा है, कोई दिन में है। अब जो अखाड़ों की भी इस तरह की वो निकली हैं, तो वो उनको समय कौन किया है? एक जब पेशवाई निकल गई, दूसरी पेशवाई आएगी अखाड़ों की, फिर तीस जब वो निकल गई तब तीसरी पेशवाई आई, फिर चौथी पेशवाई, ऐसे लगभग उनके भी 15-16 पेशवाई निकली है, तो उनको समय सीमा में बांधा है। तो इनको इसलिए मैं कह सकता हूँ कि मुझसे नापना तोड़ना ठीक नहीं है। वो एक केवल एक घर के अंदर सिमटे हुए थे, और यहाँ तो फैला हुआ है, खुले में है, यहाँ ओपन है, और गंगा के पास है, माँ गंगा का है अविरल धारा का पूरी तरह बहाव, आशीर्वाद ये सब लेके जाएंगे, तो उससे तुलना नहीं करनी चाहिए, ये बल्कि होना नहीं चाहिए उससे तुलना, तो विषय होता है ना। नमस्कार, धन्यवाद, जय सीएम साहब। एक सवाल है सर, एक सवाल है सर।